हे दोस्तों, संजय दत्त की आने वाली फिल्म शेर सरमन मुंजा जाडेजा की जिंदगी पर आधारित है। इस फिल्म में संजय दत्त गैंगस्टर सरमन मुंजा जाडेजा का किरदार निभाएंगे। आपको बता दें कि गुजरात के पोरबंदर में सरमन मुंजा जाडेजा को रॉबिन हुड के रूप में जाना जाता था। पैसे से तो यह एक गैंगस्टर था, पर गरीबों के लिए उनका मसीहा था। मुंजा परिवार की 80 के दशक में पोरबंदर और सौराष्ट्र के कई शहरों में जबरदस्त धाक थी। इसी वजह से बड़े बड़े नेता भी चुनाव में जीत के लिए इस परिवार का सहारा लेते थे। सरमन मुंजा जाडेजा के गैंगस्टर बनने की कहानी किसी फिल्म की स्टोरी से कम नहीं है। शुरुआती दिनों में सरमन मुंजा जाडेजा एक साधारण मिल मजदूर था। उन्हीं दिनों एक बार मजदूरों ने किसी बात को लेकर स्ट्राइक कर दी थी। मिल के मालिक ने स्ट्राइक को खत्म कराने का काम स्थानीय गैंगस्टर देव वाघेर को सौंपा था। गैंगस्टर देव वाघेर ने अपने आदमियों के साथ मिलकर मजदूरों को पीटने तथा धमकाने लगा। इसके बाद सरमन मुंजा जाडेजा ने गुस्से में आकर गैंगस्टर की हत्या कर दी और इसी के साथ शहर में एक नए डॉन का जन्म हुआ। उन दिनों पूरा इलाका सरमन के नाम से कांपता था। वहीं उसकी पत्नी एक साधारण हाउसवाइफ की तरह रह रही थी। कई सालों तक पोरबंदर पर राज करने के बाद वर्ष 1986 में सरमन जाडेजा ने जुर्म के रास्ते को छोड़कर ईमानदारी की राह पकड़ ली थी। सरमन ने तो जुर्म की दुनिया को छोड़ दिया था, पर इसके काले इतिहास ने सरमन का पीछा नहीं छोड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप उसी साल सरमन के दुश्मनों ने उसकी गोली से भूनकर हत्या कर दी थी। इतना ही नहीं, सरमन के दुश्मनों ने सरमन की पत्नी संतोख बेन तथा उसके बच्चे को मारने की धमकी देने लगे। इसके बाद संतोख बेन ने अपने बच्चों को बचाने तथा अपने पति की हत्या का बदला लेने के लिए उसने हथियार उठाने का फैसला किया और निकल पड़ी अपने पति के हथियारों को खत्म करने। संतोख बेन ने सबसे पहले अपने पति के गैंग को एक बार फिर से एकजुट किया और कुछ ही दिनों में संतोख बेन का खौफ पूरे जिले में फैल गया। संतोख बेन ने गैंग के मेंबर्स की मदद से उन सभी 14 लोगों को मौत के घाट उतरवा दिया जिन पर उसे पति की हत्या करने का शक था। इसी लेडी गैंगस्टर की इमेज के साथ संतोख बेन ने 1989 विधानसभा चुनाव में पार्टिसिपेट किया और जीत दर्ज की। संतोख बेन ने एक दशक से ज़्यादा समय तक राज किया था और इसी दौरान संतोख बेन को एक बार जेल भी जाना पड़ा था। कई सालों तक राज करने के बाद अप्रैल 2011 में संतोख बेन हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। आपको बता दें कि 1999 में आई फिल्म गॉड मदर संतोख बेन की जिंदगी पर आधारित है। दोस्तों, तो कुछ ऐसी है सरमन मुंजा जाडेजा की स्टोरी। अगली वीडियो आप किस पर चाहते हो नीचे कमेंट करके बताओ। ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें। इसी तरह की और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।